हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बग़ैर किसी कोड के आप ये इन्वेंट्री सिस्टम या फिर डेटा एंट्री सिस्टम कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद यहाँ से सी शार्प को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्म इसको हम नाम दे देंगे। इन्वेंट्री या फिर हम कह देते हैं डेटा एंट्री, ठीक हो गया। यहाँ से आप लोकेशन जहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, मैं इसको जो है वो डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दूँगा। ओके, अब हमारे पास जो है ये फॉर्म शो हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये काम करना है कि इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। टूल बार में जाएंगे यहाँ से और सर्च करेंगे पैनल, ठीक है। इसको अब हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, एक और बार। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से हम इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। अब दूसरे पैनल को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से डार्क में जाएंगे। डिज़ाइनिंग जो है आप कोई भी दे सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा लास्ट वाला पैनल है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर में इसको कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि हम यहाँ पे जाएंगे टूल बार में और यहाँ से एक लेबल लेंगे, लेबल, ठीक है। अब इसका कुछ फॉन्ट चेंज करते हैं, उसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रॉपर्टी में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से फॉन्ट बोल्ड, ठीक हो गया। और यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, यहाँ से फॉन्ट वर्धना, कलर इसका हम जो है वो वाइट कर देते हैं और टेक्स्ट इसका हम चेंज करेंगे यहाँ से लेबल में जाके। डेटा एंट्री सिस्टम, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है ये काम, सबसे पहले आपने जाना है यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू। हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो न्यू एटम। उसके बाद यहाँ से डेटा में जाएंगे और सर्विस बेस डेटाबेस जो है इसको सिलेक्ट करेंगे हम और इसको हम नाम दे देते हैं डेटा डीबी, ओके। और उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे हमारे राइट साइड पे, ये हमारी जो है वो डेटाबेस है, इसके ऊपर अब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है हमारा जो डेटाबेस है, लेकिन टेबल में हमारे कुछ भी अभी नहीं है। तो राइट क्लिक करेंगे
और एक टेबल क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू टेबल। इसमें हम कुछ कॉलम बनाएंगे, आईडी, और इस आईडी के बाद हमारा आ जाएगा नेम, ईमेल और फोन। उसके बाद यहाँ से प्राइस और QTY क्वांटिटी कर देते हैं, और लास्ट वाला जो है वो है इमेज। ठीक हो गया। अब हम इसकी डेटा टाइप जो है वो चेंज करेंगे। तो नेम के लिए जो है वो है वाचा। इस वाचा को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फ़ोन को भी वाचा ही दे देते हैं। प्राइस को इंट, क्वांटिटी को भी इंट, और जो पिक्चर है इसको हम देंगे इमेज। ठीक हो गया। उसके बाद हम इस टेबल का नाम जो है टेबल वन कर देते हैं। ओके, टेबल वन, और अपडेट करेंगे। अब हम अपडेट डेटाबेस। ठीक है, ये अपडेट हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा और आपको दिखाऊँगा कि अभी देखें यहाँ पे शो नहीं हो रही, ये टेबल नहीं शो हो रहा, तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये अब शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है कि जाना है डेटा सोर्स में, और यहाँ से आपने क्लिक करना है ऐड न्यू डेटा सोर्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है डेटाबेस को सिलेक्ट करके। ठीक है, डेटा सेट, और यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट। और यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो आप देखेंगे शो हो रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ से फिनिश कर देंगे। यहाँ पे आप देखें फ्रेंड्स, हमारा जो है वो टेबल शो हो रहा है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे इनको यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको हम टेक्स्ट बॉक्स ही रहने देंगे। आप कोई भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कम्बो बॉक्स देना चाहें, कोई आपके पास ऑप्शन हो, तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे टेबल में, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डिटेल। ठीक हो गया, डिटेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे लेफ़्ट साइड पे, और इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें फ्रेंड्स कि हमारी जो जितने भी फील्ड हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो अब हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर स्टाइल 3D फिक्स कर देते हैं इसको। और यहाँ से इसको हम नॉर्मल से जो है वो स्ट्रेच कर देंगे, ताकि कोई भी पिक्चर हो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिक्स हो जाए। अब हम इन सब को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और
प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से फाउंट, फाउंट में जाने के बाद यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फाउंट ले सकते हैं यहाँ से। तो उसके बाद ओके करेंगे तो ये सब हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा इधर मूव करते हैं लेफ़्ट साइड पे। और इन सब को, सब फील्ड को हम सेलेक्ट करके और आल्सो इन लेबल को सेलेक्ट करके यहाँ से हम जो करेंगे तो ये खुद बहुत जो है वो वर्टिकल में आ जाएंगी, ठीक है। अब इन सब लेबल को हम यहाँ से पकड़ के इनके बराबर कर देंगे, ठीक हो गया। और इन सब को, जितने भी लेबल हैं, इनको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेफ़्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनकी थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, मैंने इसको सेट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से एक ग्रुप लेंगे, ग्रुप बॉक्स, और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ठीक हो गया। राइट क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर देंगे और प्रॉपर्टी में जाके इसका जो टेक्स्ट है इसको ख़त्म कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है फ्रेंड्स कि हमने वापस जाना है यहाँ पे डेटा सोर्स में और यहाँ से सेलेक्ट करना है डेटा ग्रिड व्यू, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से हमने पकड़ के इसको ड्रैग कर देना है अपने फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। और प्रॉपर्टी में जाएंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ से फिल कर देंगे, ऑटो फिल हो जाइए ऐसे, ठीक हो गया। और कलर आप कोई भी इसका चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम इसको डक कर देंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसको प्ले करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका अभी व्यू कैसा आएगा। तो चलिए प्ले करते हैं इसको स्टार्ट। तो ये है हमारा इन्वेंटर सिस्टम। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ऐड न्यू, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी आईडी हम दे देते हैं 1001। उसके बाद नाम आ जाएगा यहाँ पे जैक और फ़ोन नंबर कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे, प्राइस, क्वांटिटी, ईमेल आ जाएगा यहाँ पे जैक, ठीक है। और हम इसको अब सेव करेंगे।
तो आप देखेंगे ये यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, अब रह गया हमारी पिक्चर। पिक्चर यहाँ पे कैसे सेव होगी, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। इसको हम करते हैं क्लोज। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, पिक्चर के ऊपर। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे हम जाके लाइब्रेरी को जो है वो कॉल करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट, ठीक है, और उसके बाद यूजिंग सिस्टम, ये जो है पिक्चर के लिए है, डेटा डॉट एल ओ डी बी, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग, ओके, इमेज नेम, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स के इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको, ये जो कोड्स हैं इनको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये जो कोड्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो पेस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एरर आ रहा है पिक्चर बॉक्स वन का, तो हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं इसका क्या नाम है। ठीक है, इसका है इमेज पिक्चर बॉक्स, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके सिंपली पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, अभी हमारा कोई एरर नहीं है यहाँ पे। अब हम इसको प्ले करेंगे। ठीक हो गया, और जैसे ही हम यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से अगर इस पिक्चर पे हम डबल क्लिक करें तो ये हमें यहाँ पे पिक्चर पे ले जाएगा। यहाँ से हम कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे डेस्कटॉप पे अगर कुछ पिक्चर्स पड़ी हों। हाँ ओके, तो चलिए ये देखें, तो हमारी पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। अब हम यहाँ पे इंटर करेंगे 1002, कोई भी नाम इसका हम कर देते हैं आरिया, एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस कुछ भी आप इंटर कर सकते हैं, ये जस्ट आपको बताने के लिए है। आप जो भी या फिर डेटा एंट्री सिस्टम बनाएं तो उसमें अपने जो है जो आपकी नीड है उसके मुताबिक आप इसको बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम दे देते हैं maria@qq.com, और अब हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे ये सेव हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं एक और नेक्स्ट रिकॉर्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं 1003, ठीक है। उसके बाद नेम आ जाएगा यहाँ पे एना, और फ़ोन नंबर कोई भी इंटर कर दें यहाँ पे, प्राइस, क्वांटिटी, उसके बाद ईमेल, और सेव। अभी हमने यहाँ पे जो है इसमें पिक्चर नहीं सिलेक्ट की, तो यहाँ से ओके, अब हम इसको पिक्चर सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसको सेव करेंगे अगेन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो है वो मूव टू प्रीवियस भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें हम कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं इसी सेव बटन को। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट किया
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मारिया 1, 2, 3 और इसको सेव करूँगा, तो आप देखेंगे ये जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। और अब फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के कुछ बटन्स ऐड करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये बटन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, पहले बोल्ड करके 12 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, तो इसको हम कहते हैं ऐड न्यू। ओके, ये हमारा जो है वो ऐड न्यू का बटन हो गया। अब हम इसको सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करेंगे ये हमारा जो है वो सेव का बटन हो जाएगा। और एक और हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हम हमारा डिलीट का बटन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे यहाँ से, सेव, और ये जो है हमारा डिलीट का बटन हो जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब आपने करना क्या है फ्रेंड्स, के इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन का कोड है, बहुत इजी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे Table1 बाइंडिंग सोर्स, ठीक हो गया। यही सिंपल हमने यहाँ पे लिखना है, जैसे Table1 हमारा जो टेबल है और ये हो गया बाइंडिंग सोर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉट और एड न्यू, बहुत सिंपल कोड्स हैं, ठीक है। बस इतना सारा हमने ये काम करना था। और अब मैं प्ले करूँ तो आप देखेंगे, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऐड न्यू का जो है वो ऑप्शन आ रहा है। इसी तरह से अब हम सेव के ऊपर जाएंगे, सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेबल वन बाइंडिंग सोर्स डॉट एंड एडिट, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ से टेबल अडाप्टर, ठीक है। टेबल अडाप्टर ये भी हम कर सकते हैं और ऑल अपडेट के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। और ये हमारा जो है वो डेटा सेट होगा, डेटा सेट। तो इसको हम करेंगे क्या कि टेबल अडाप्टर, ओके, यहाँ से हम करेंगे टेबल अडाप्टर मैनेजर डॉट अपडेट ऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट और इसके अंदर हम कहेंगे डेटा DB, ओके, डेटा सेट इनटू जो हमारे टेबल का नाम है Table1, ठीक हो गया। तो अब हम जो है यहाँ पे लेंगे Table1 टेबल अडाप्टर डॉट अपडेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट लेके हम कहेंगे डेटा सेट DB जो हमारा डेटाबेस है और ये हमारा Table1 हमारा टेबल है, ठीक हो गया। दैट्स इट। और इसके बाद अगर हम कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक हो गया। इंसर्टेड सक्सेसफुली
दैट्स इट, ठीक हो गया। और अब जाते हैं हम लास्ट बटन के ऊपर, ठीक है, और इसमें हम करेंगे टेबल वन एंड बाइंडिंग सोर्स डॉट करंट रिमूव करंट, ठीक हो गया। बहुत ही सिंपल कोर्स थे फ्रेंड्स, तो अब हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है। एड न्यू, और यहाँ पे हम आईडी देते हैं, यहाँ पे 1004, इसके बाद नेम कोई भी, जैक, फ़ोन नंबर, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इमेज, प्राइस आ जाएगी यहाँ से, ईमेल, जैक, एट याहू डॉट कॉम, उसके बाद यहाँ पे प्राइस आ जाएगी, सॉरी क्वांटिटी, और यहाँ से हम सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया, इंसर्टेड सक्सेसफुली, और हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। अब हम ऐड न्यू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1005, और यहाँ से हम कर देते हैं लूसी, फ़ोन नंबर आ गया, लूसी की पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से प्राइस, क्वांटिटी, और यहाँ से आ गया लूसी एट हॉटमेल डॉट कॉम, सेव, ठीक है, इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, कि अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिलीट, ठीक हो गया। और अगर ऐड न्यू करना चाहेंगे तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एना कर देते हैं यहाँ, सॉरी यहाँ पे आईडी आएगी, और यहाँ पे एना और फ़ोन नंबर, और इसके बाद प्राइस, क्वांटिटी, और एना एट याहू डॉट कॉम, ठीक है, सेव करेंगे, इंसर्ट हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स इसके कोर्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि जितना सिंपल हो सके आपको बता सकूं, ठीक है, दोनों तरीक़ों से बता दिया, आप बटन भी यूज़ कर सकते हैं और बग़ैर किसी कोडिंग के, ये जो तीन चार लाइनें हैं इन बटन्स के लिए, और इसके बग़ैर भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो जो इस पिक्चर के कोड्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा पेस्ट, आप सिंपली जस्ट कॉपी और पेस्ट करेंगे और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक हो गया फ्रेंड्स। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल डिज्नी ऑनलाइन एजुकेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।